अल्लाम वरम् वर्कू दिस इज़ क्लास सिक्स सब्जेक्ट जाम इंग्लिश टॉपिक एंड इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला तो पहले बच्चों हम इस चैप्टर चैप्टर सिक्स के असाइनमेंट्स कर रहे हैं कल हमने इसके चार क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो आज हम इसका पांचवा क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं तो यहां पे क्वेश्चन नंबर फाइव आप अपनी बुक पे देखिए डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस ओके कल्पना चावला का जो पहला मिशन था स्पेस का यानी खला में तो उसके बारे में आप लिखिए तो हमें यहाँ पे हमें याद है कल्पना चावलाज़ फर्स्ट मिशन इन स्पेस लास्ट इन फिफ्टीन डेज सिक्सटीन आवर्स एंड थर्टी फोर मिनट्स तो कल्पना चावला का जो पहला मिशन था स्पेस का वो पंद्रह दिन सोलह घंटे और चन्तीस मिनट का रहा शी वेंट अराउंड अर्थ वो जमीन के गिरद 52 टाइम्स टू हंड्रेड फिफ्टी टाइम्स यानी उन्होंने जमीन के इर्द गिर्द दो चक्कर लगाए ट्रैवलिंग 10.75 मिलियन किलोमीटर्स टेन पॉइंट मिलियन किलोमीटर्स इन्होंने ट्रेवल किया था यूक्रेन एंड जापानीज एस्ट्रोनॉट्स एस्ट्रोनॉस वल्सो एमंग क्रू मेंबर्स यानी इनके साथ ये जो मेंबर्स थे जापानीज जापान Japan का भी एक था और यूक्रेनियन का भी एक मेंबर था तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है ये जो कल्पना चावला का पहला मिशन था ये तकरीबन पंद्रह दिन सोलह घंटे और चैंतीस मिनट का रहा था स्पेस में इन्होंने तकरीबन दो सौ बावन चक्कर लगाए थे जमीन के गिरत आ, दस पॉइंट पचहत्तर मिलियन किलोमीटर्स का इन्होंने सफर किया था इनके साथ था एक यूक्रेन और एक जापानीज एस्ट्रोनॉट भी इनके साथ थे तो प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर सिक्स हम देखते हैं वट डज कल्पना चावला से अबाउट परसिंग अ ड्रीम कल्पना चावला क्या कह रही है उनका क्या कहना है जो हम ख्वाब देखते हैं ख्वाबों के बारे में डू यू एग्री विथ हर दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल क्या उनके साथ एग्री कर रहे हो कि सक्सेस हमारे जो सपने हैं वो कभी साकार हो सकते हैं पूरे हो सकते हैं ये कहती है कि हो सकते हैं क्या आप इनसे इतफाक रखते हो तो इसका जवाब यह है कल्पना चावला सेज दैट वो कह रही है द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट मे यू हैव द विजन फॉर विजन टू फाइंड इट कह रही है कि सपनों और सपनों को पूरा करने में सपनों को पूरा करने के लिए रास्ते होते हैं लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपको वो रास्ते खोजने की सलाहियत हो आप में वो आ, आपको वो नज़र वो नज़र आप में हो कि आप कहाँ से वो रास्ते कंप्लीट वो रास्ते देख पाओगे यानी आप में वो सलायत होनी चाहिए देंज टू गेट ऑन इन टू इट और आप में वो हिम्मत होनी चाहिए यानी आप जो सपने देखते हो वो पूरे हो सकते हैं लेकिन आप में वो क्षमता वो सलायत होनी चाहिए आप में वो काबिलियत होनी चाहिए वो रास्ते होते हैं वो आपको खोजने पड़ेंगे आपको उसके आप में वो हिम्मत होनी चाहिए यस आई डू एग्री हम हम भी इससे एग्री करते हैं विथ हर

रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कल्पना चावला तो आपके आ, पेज आ, ये जो चैप्टर नंबर सिक्स है इसके दूसरे साइड में आप खोलिए वहाँ पे एक रिपोर्ट लिखा हुआ है कि किस तरह से इस आ, स्पेस शटर का उसके साथ क्या हुआ था कैसे उसमें वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिया गया है आप वो देखिए और वहां से देखने के बाद आप इन आ, ये जो खाली जगह आपकी किताब पे दी गई है उनको आपको पूरा करना है तो पहला पार्ट यहाँ पे दिया गया है डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ ये जो शटर है ये जो स्पेस शटर है इसका डेट और प्लेस आपको बतानी है कब और कहाँ से ये लिफ्ट ऑप हुआ था यानी ये जमीन से ऊपर उठा था यानी ये स्पेस की तरह उड़ा था तो डेट में बता देता हूं स्पेस आप खुद देखिए किताब पे तो पहला मैं यहां पे डेट लिखता हूं आप रिपोर्ट देखिए यहां पे डेट लिखा गया है सिक्सटीन जनवरी टू थाउजेंड थ्री ओके okay. नासा के स्पेस सेंटर से ये लिफ्ट ऑफ हुआ था जगह आप आप देखिए वहां पे हाँ अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोट यानी इस ये जो शटर था ये क्रैफ्ट था स्पेस क्रैफ्ट था इसमें कितने मेंबर एस्ट्रोनॉट्स थे तो हाँ. आप देखिए सेवन मेंबर्स सेवन मेंबर्स ओके नंबर ऑफ डेज हाँ तीसरा देखिए नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस कितने दिन ये स्पेस में रहा था हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा था फिफ्टीन डेज सिक्सटीन आवर्स एंड थर्टी फोर ठीक है तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट डन बाय द साइंटिस्ट ये जो इसमें थे ये आ, इन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट्स वहां से किए थे उससे पहले कि ये क्रैश हुआ था ये Uh, इसके साथ जो ट्राइज हुई थी ट्राइज होने से पहले इसने एटी एक्सपेरिमेंट्स किए थे एटी एक्सपेरिमेंट्स, ओके डेट ऑफ रिटर्न जर्नी यानी इसे वापस कब आना था फर्स्ट फेबरवरी टू थाउजेंड थ्री ओके हाइट एट विच हिट लॉस्ट कंट्रोल कंटैक्ट हा किस हाइट पे इसने वो कंटैक्ट लॉस्ट किया था टू लैख टू लैख फीट हाइट उस वक्त उसकी टू लैख फीट थी तो माइडियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पार्ट बी भी हमारा कंप्लीट होता है तो इनशाला इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है हैं इनशाला हम कल कंप्लीट करेंगे तब तक के लिए गुड बाय